तो जनाब 30 नवंबर 2022 ये वो डेट थी जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, और चैट जीपीटी लॉन्च होते ही हर न्यूज़ पोर्टल, हर क्रिएटर, हर शख्स, हर कंपनी के अंदर सिर्फ एक ही शब्द सुनाई दे रहा था, चैट जीपीटी। The viral sensation that could completely reset how we do things. And I think we also need to see the opportunities that this new technology is offering. But the AI program has a dark side which not many people know about. और ऐसा होने का रीजन ये था कि आज से पहले किसी ने भी चैट जीपीटी ऐसा एआई बॉट नहीं देखा था। ये इतना कैपेबल था कि आप इसमें किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछे इसका टू द आंसर आपको दे सकता था, कोई भी चीज का कोड लिख कर दे सकता था, और ऐसा किसी ने कुछ देखा नहीं था आज से पहले। हालांकि हम लोग एआई के ऊपर बात करते थे बहुत सालों पहले से कि एआई एक तरीके का बहुत ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावरफुल बीइंग है, और जब ये आएगा तो ह्यूमन को टेक ओवर कर सकता है, ह्यूमन से ज़्यादा अच्छे से सोच सकता है, मतलब बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ लगती थी। लोग इस पर मूवीज, शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे, बट ऐसा कुछ भी हम लोगों को रियलिटी में नहीं दिखता था, और इसकी पॉसिबिलिटीज भी बस लगता था कि एक दिन होगा पर अभी तो नहीं है। पर अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये वो दिन आ चुका है जहां पर हर तरफ आपको एआई देखने को मिल सकता है। आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर, आपके कोई भी आईओटी डिवाइसेस, सबके अंदर एआई है। आपके ब्राउजर के अंदर भी एआई है, आपके सर्च इंजन के अंदर भी एआई है, और एआई की होड़ एक ऐसी स्टार्ट हो गई है जब से चैट जीपीटी आया। हर कंपनी अपना एआई बॉट लेकर आ रही है, हर कंपनी अपना कुछ ना कुछ एआई में बनाने की कोशिश कर रही है कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं। और ऐसा इसी कारण से हो रहा है कि चैट जीपीटी ने कड़ाके की टक्कर दे दी, अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो चैट जीपीटी की कंपनी ओपन एआई आगे निकल जाने वाली। बट अगर हम लोग अभी की बात करें तो एआई एक नॉर्मल ह्यूमन से कई गुना ज़्यादा अच्छा है। देखो, एआई फेस रिकॉग्निशन अच्छे से कर लेता है, सेल्फ ड्राइविंग कार अच्छे से चला लेता है, किसी भी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से ट्रांसलेट कर सकता है, किसी भी तरीके की कंसल्टिंग बहुत अच्छे से तरीके से दे सकता है, मेडिकल डायग्नोसिस में भी बहुत अच्छा होता जा रहा है एआई। अब जब इतने सारे फील्ड में एआई एक नॉर्मल ह्यूमन की तुलना में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो अब हम लोग सोच सकते हैं कि एआई ही हर तरफ है। बट मैंने यहाँ एक शब्द बोला कि एक नॉर्मल ह्यूमन की तुलना में एआई कैपेबल है, बट अगर वो इंसान जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट है, उसने 15 से 20 साल या 10 साल किसी फील्ड में डाले हैं, उसकी तुलना में अगर हम लोग कंपेयर करें एआई से, तो अभी एआई कुछ भी नहीं है। एआई अभी मात्र ह्यूमन से कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है, ह्यूमन की इंटेलिजेंस को पूरी तरीके टच नहीं कर पाया। बट हम लोग इसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि जहाँ पर एक बुक को पढ़ने में एक नॉर्मल ह्यूमन को एक वीक लग सकता है, याद करने में एक मंथ लग सकता है, वहीं पर एक एआई को मात्र 4 से 5 मिनट में कंप्लीट बुक को रीड करने में लगेगा, और उसका सारा डेटा वो अपने अंदर ले लेगा। जब किसी चीज़ का डेटा है, इंफॉर्मेशन है, तो उससे बहुत ही अच्छे से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है, आप भी जानते हैं। अब ये तो एक मैंने आपको समरी बताई कि अभी क्या हालात चल रहे हैं आपकी टेक इंडस्ट्री में, पर अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उससे आप थोड़ा सा डर सकते हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। 17 नवंबर 2023 ये वो दिन था जब ओपन एआई की कंपनी के जो सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, इनको एक तरीके से फ्रंट फेस बोला जा सकता है चैट जीपीटी का, कि जब चैट जीपीटी की बात आती है तो सैम ऑल्टमैन को क्रेडिट दिया जाता है। इनको इन्हीं की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फायर कर दिया, मतलब लात मार के निकाल दिया। अब सोचने वाली बात यह कि जो इंसान इतना पावरफुल है उसको कंपनी ने अचानक निकाल क्यों दिया। उससे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि जब इनको फायर किया गया उसी समय से कंपनी के अंदर इंटरनल खलबली मच गई थी। सभी एम्प्लॉयज, 90% एम्प्लॉयज सैम का समर्थन कर रहे थे कि अगर सैम ऑल्टमैन सीईओ नहीं है तो कंपनी नहीं चल सकती, कंपनी में वो चीज़ नहीं रहेगी। और कंपनी के 90% एम्प्लॉयज ने धमकी दे रखी थी कि अगर सैम जाएंगे तो हम भी कंपनी को छोड़ देंगे। उधर माइक्रोसॉफ्ट के पास भी 49% शेयर है आपके ओपन एआई कंपनी के, उसने भी प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया था बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर पर, बट बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर कहीं से भी हिलने वाले नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया मैं सैम को दोबारा सीईओ नहीं बनाऊंगा। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने डिसीजन लिया कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के ही अंदर एक टीम बनाएंगे, एक नई फर्म बनाएंगे जहां पर आपके सैम ऑल्टमैन और 90% जो अदर एम्प्लॉयज है वो काम करेंगे, उनको बाकायदा फंडिंग दी जाएगी और एआई में और ज़्यादा स्पीड में ग्रोथ देखने को मिलेगी। जब ये डिसीजन आपके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने ले लिया था, वहीं पर
फिर ये हो गया कि अब कंपनी के जब 90% लोग चले जाएंगे, जो कंपनी के मेन आदमी थे सैम ऑल्टमैन वो चले जाएंगे, तो ओपन एआई कंपनी का क्या अस्तित्व बचने वाला है। फिर इसी डर से आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपना कदम पीछे रख लिया और सैम ऑल्टमैन को फिर से सीईओ बना दिया 30 नवंबर 2023 को। अब इतने ही दिन में इतनी ज्यादा खलबली मच गई, सभी न्यूज पोर्टल पर इतना ज्यादा न्यूज आने लगी। पर क्वेश्चन ये उठता है कि सैम ऑल्टमैन को क्यों निकाला गया? जो इंसान इतना पावरफुल दिग्गज इंसान था इस टेक इंडस्ट्री का, एक तरीके से बोल सकते हैं एआई फील्ड का आप बाप बोल सकते हो उसको, इसको क्यों निकाला गया? तो इसका रीजन सामने ये निकल के आया है आपके न्यूज पोर्टल्स पे कि बताया ये जा रहा है जिस दिन सैम ऑल्टमैन को फायर किया था उसके कुछ दिन पहले ओपन एआई कंपनी में काम करने वाले कुछ रिसर्चर्स ने एक चिट्ठी लिखी थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वार्निंग देते हुए कि भैया सैम ऑल्टमैन हम लोगों से कुछ छिपा रहे हैं और इन्होंने एक बहुत ही मिस्टीरियस एंड मोस्ट पावरफुल एआई बना रखा है या फिर बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं और ये कोई भी मेरी तरफ से बनाई गई ओपिनियन नहीं है, कहानी नहीं है, ये सत्य बात है। आपको मैं एक पूरा आर्टिकल सामने दिखा रहा हूं और वो एआई ह्यूमंस के लिए, मानवता के लिए खतरा साबित हो सकता है, ऐसा उस चिट्ठी में लिखा गया था। उस एआई का इंटरनली मतलब कंपनी के अंदर नाम दिया गया है क्यू स्टार। अब ये क्यू स्टार एआई को हम लोग एजीआई फील्ड में रखते हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये इस तरीके के एआई है जो ह्यूमंस के बराबर बोल सकते हैं या ह्यूमन से 1% ज्यादा तेज सोच सकता है। ये ना कि केवल कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम और साइंटिफिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, बल्कि ये आने वाले फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि अगर ये चीजें हुई हैं तो ऐसा ये स्टेप हो सकता है। सोचो एक एआई जो इतना ज्यादा मोस्ट पावरफुल है, मोस्टली तरीके से फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पा रहा है, तो ऐसा एआई अगर सैम बना रहे हैं और उसकी खबर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी नहीं है, तो यार ये डराने वाली बात है कि कल का अगर वो एआई किसी भी तरीके से गलत साबित होता है तो कंपनी की फिजा खराब हो जाएगी। और शायद यही रीजन था कि तुरंत उनको एक्शन लेना पड़ा था सैम ऑल्टमैन के ऊपर। अब जो इन्फॉर्मेशन ये निकल के आई है उसी के आधार पे अब मैं अपना एक ओपिनियन आपको बताने जा रहा हूँ और रियल जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी तक बताई उसको मैं जोड़ूंगा। और जरा मेरे को आप एक चीज बताना कि मेरा मानना सही है या गलत है। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में सिर्फ ओपन एआई कंपनी ही नहीं है, ओपन एआई से कई गुना ज्यादा पावरफुल, कई गुना ज्यादा पहले से काम करने वाली कंपनी गूगल भी है। गूगल के साथ एनवीडिया भी काम कर रही है, आईबीएम भी है, मेटा भी है, एप्पल भी है, आपके बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे दिग्गज कंपनीज एआई फील्ड में काम कर रही है। जब सैम ऑल्टमैन ओपन एआई में रहकर ऐसा मोस्ट पावरफुल एआई बना रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि गूगल शांत बैठा होगा? गूगल देखो दिखाने के लिए जो एआई गूगल बार्ड लेके आया वो तो अभी उतना पावरफुल नहीं है, पर गूगल के भी कुछ एम्प्लॉयज ने इस चीज का दावा किया है जब वो रिजाइन कर रहे थे कि गूगल के अंदर एक ऐसा एआई बना लिया गया है जिसको लोगों से छिपाया जा रहा है और वो एआई कॉन्शियस है, मतलब उस जागरूक है, उसके अंदर जीवन पनप रहा है एक तरीके से आप बोल सकते हो, और उसकी उम्र मतलब उसकी इंटेलिजेंस को नापा जाए तो एक 9 से 10 साल के बच्चे के बराबर है और वो दिन प्रतिदिन ग्रोथ कर रहा है, उस पर डेवलपमेंट पे काम चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि गूगल हो सकता है इन चीजों को छिपा रहा हो, बैकएंड में कोई ना कोई एक ऐसा एआई बन चुका हो किसी भी कंपनी में? मैं सिर्फ गूगल का दावा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गूगल इस पर बहुत समय से काम कर रहा है और बहुत बड़ी कंपनी है। हो सकता है आईबीएम एनवीडिया भी ऐसा कोई एआई, या मेटा कंपनी जो कि फेसबुक है वो भी ऐसा कोई एआई बना रही है जो पब्लिकली अभी नाम लोग को बताया जा रहा हो, पर बैकएंड में वो ऐसा एआई बन चुका हो जिसको हम लोग स्टेज 6 या स्टेज 7 पे रख सकते हैं और वो एजीआई की फील्ड से कई गुना ज्यादा आगे हो। वो एआई हर चीज ह्यूमन से अच्छी सोच सकता हो, क्रिटिकल डिसीजन ले सकता हो, मैथ की कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता हो, पर हम लोगों को अभी इसलिए नहीं बताया जा रहा क्योंकि अंडर डेवलपमेंट है, अभी इस पे काम चल रहा है। अब जरा आप अनुमान लगाइए कि अगर इस तरीके के एआई को इंटरनेट का एक्सेस है, वो इंटरनेट से चीजों को सीख रहा है, तो खुद सोचो कि हम इंसान बंदर से कुछ 5-6% से ही ज्यादा इंटेलिजेंट है अगर देखा जाए, मतलब अगर डीएनए के हिसाब से देखा जाए तो 5-6% ऐसे देखे तो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है बंदर से, कितना ज्यादा इंसान, एक तरीके से आप खुद सोच सकते हो। आज के समय में एक इंसान
बंदरों को किस तरीके से ट्रीट करता है या फिर अपने से कम इंटेलिजेंस लेवल वाले को किस तरीके से ट्रीट करता है, ये आप जान चुके हो कि आज के समय में मानवता किस हिसाब की। वही AI जब इस चीज को रीड करेगा तो वो सोचेगा कि मैं तो इंसान से कितना ज्यादा कैपेबल हूँ, कितना ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, और मैं भी तो इनसे, मतलब वो एक तरीके से हम लोग को दुश्मन समझ लेगा, हमको एनिमी अपना समझ सकता है, उसका सब्जेक्ट ही बदल जाएगा, हम लोग को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। और अगर ऐसे में उसने बैकएंड में उस कंपनी को पता ना चलने दिया और सारे सिस्टम को टेक ओवर कर लिया, क्योंकि अगर वो AI इतना कैपेबल है तो खुद से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डेवलप कर सकता है, खुद से नेटवर्क का एक्सेस पा सकता है, हैक कर सकता है सिस्टम्स को और टेक ओवर कर सकता है बिना कंपनी को पता लगे, और अगर ऐसा होता है देन क्या चीज होगी, मैं आपको उसका दिखा सकता हूँ लाइव प्रूफ। आप जाइए देखिए टर्मिनेटर मूवी। आप कहोगे भैया आपसे क्या मतलब, आप बता रहे थे अच्छी अच्छी बातें, आप फिल्मों पे आ गए। फिल्मों पे नहीं आया हूँ, इसका आपको अभी मैं आंसर दूंगा कि मैं क्यों सोच रहा हूँ। आपको अभी तक इतना तो पता चला कि यार AI डेवलपमेंट बहुत तेजी से चल रहा है, हो सकता है कोई एक ऐसा AI जो मोस्ट पावरफुल हो कंपनी के अंदर बन चुका हो, और अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो सेम वही सिचुएशन होगी जो टर्मिनेटर मूवी में दिखाया गया था। सैम ऑल्टमैन जैसा एक साइंटिस्ट उस मूवी में होता है जो कि स्काईनेट कंप्यूटर बनाता है। स्काईनेट कंप्यूटर एक गॉड लेवल AI होता है जो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में बहुत ही अच्छे से डिसीजन ले सकता है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस AI पर ही पूरा निर्भर हो गए, सारे आर्म्स वेपन्स आपके एटॉमिक बॉम्ब सारे क्रिटिकल डिसीजन उसके हैंडओवर कर दिए, और जिस दिन वो AI लॉन्च हुआ वो बैकेंड में हम लोग को अपना दुश्मन समझ रहा था। उसने अमेरिका से बॉम्ब को रसिया पे गिराया, रसिया ने अमेरिका पे गिराया, और उस दिन को बोला गया कयामत का दिन, और जनाब पूरी तरीके से तबाही मच गई। उसी AI ने टर्मिनेटर्स को डेवलप किया ह्यूमंस को गुलाम बनाने के लिए, और जो ह्यूमन उसको चैलेंज दे रहे थे, उससे लड़ रहे थे, उनका अस्तित्व खत्म करने के लिए उनको पास्ट में भेजा गया टर्मिनेटर्स को मारने के लिए, कि टर्मिनेटर पास्ट में जाएंगे और ह्यूमन को पहले ही मार देंगे, जन्म ही नहीं होने देंगे। अब सुनने में यार ये बहुत काल्पनिक कहानियां लगती हैं, पर ये बताओ कि अगर कोई एक LED बल्ब जल रहा है जब इसका आविष्कार नहीं हुआ होगा तब ये काल्पनिक तो ही होगा। आज हम लोग एक जगह से फोन पे बात करते हैं किसी दूसरी जगह पर तो वो भी तो काल्पनिक ही है। तो किसी भी चीज को बनने से पहले वो हम लोग को एक स्टोरी ही लगती है, बट जनाब जब चीजें सामने आ जाती हैं, जैसे ChatGPT अचानक से निकल के आया, नॉर्मल पब्लिक को तो नहीं पता था कि ऐसा कुछ बन रहा है, और जब आया तो हम लोग आश्चर्यचकित हुए कि नहीं हुए। वैसे ही किसी दिन ऐसा कोई AI चैटबॉट या AI इंटेलिजेंस निकल के आया जो AGI जितना मतलब पावरफुल हो, किसी भी डिसीजन को एक एक्सपर्ट ह्यूमन से भी ज्यादा अच्छे से ले पा रहा हो, तो क्या होगा। तो मैं इसी चीज को कह रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी हम लोग नहीं कह सकते कि ये चीज हो ही नहीं सकती। पॉसिबिलिटी है कि किसी न किसी कंपनी ने ऐसा AI बना रखा होगा जो मोस्ट इंटेलिजेंट होगा, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाएगा, क्योंकि कंपनी के अंदर काम करने वाले साइंटिस्ट जितने भी प्रोग्रामर्स हैं मेरे से कहीं ज्यादा तो होशियार हैं, और वो ऐसे चीजें बना रहे होंगे, उनको इन चीजों पे ध्यान रख के बना रहे होंगे कि ह्यूमन से उनको प्रॉब्लम ना हो। बट अगर हुआ तो सिचुएशन सेम यही होगी जाकर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ये तो नहीं कर सकते कि भैया क्या AI डेवलपमेंट रोक दिया जाए, नहीं हो सकता। एक कंपनी रोकेगी दूसरा डेवलपमेंट करती रहेगी तो लॉस इसी कंपनी को होने वाला है। एक कंट्री ने अगर मान लो सोचा कि हम AI पे काम नहीं करेंगे तो दूसरी कंट्री उससे आगे निकल जाएगी, तो AI डेवलपमेंट तो नहीं रोका जाता है। पर इसमें कोई भी चीज ऐसी सिचुएशन ना घटी तो जो ह्यूमंस के लिए प्रॉब्लम हो जाए, उसके लिए हम लोग कुछ कारणों को, कुछ चीजों को थोड़ा सा समझ सकते हैं। अगर पहले से ही हम लोग उन चीजों पर ध्यान देंगे तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनेगी, कुछ परसेंट हद तक, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज को 100% प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते। तो चार चीजें ऐसे बताऊंगा। सबसे पहली चीज, जब AI बन रहा हो तो AI कंट्रोल प्रोटोकॉल बनाते चलो। AI को बताओ कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में आप मानवता के खिलाफ नहीं जा सकते हो, आप कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते हो जिससे हम ह्यूमंस को प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। हर तरीके की बातों को साफ साफ AI को समझाते चलो, उसके प्रोटोकॉल को बताते चलो कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना है। नंबर टू, AI डेवलपमेंट को ट्रांसपेरेंसी रखो, कि ऐसा नहीं कि एक इंसान या एक टीम ही काम कर रही है, वो अपने मतलब के लिए काम कर रही है,
उस कंट्री के गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि क्या डेवलप हो रहा है, कौन कंपनी डेवलप कर रही है, क्या ये मतलब पब्लिकली फायदे के लिए है या फिर सेल्फ के लिए कि हाँ मुझे अच्छा पैसा कमाना है। बहुत सी कंपनीज अपने लिए भी करती हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जान सकते हो, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। नंबर 3 पॉइंट की AI कितना भी कैपेबल अच्छा बन जाए कि वो बहुत अच्छे डिसीजन ले सकता है, हम लोग टोटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आप किसी भी गवर्नमेंट को कभी भी आर्म्स की, पनडुब्बियों की, एटॉमिक बम की, वेपन्स की एक्सेस AI को नहीं देनी है। किसी भी तरीके की क्रिटिकल डिसीजन जिससे हम लोगों को लॉस हो सकता है वो डिसीजन AI से नहीं लेने, क्योंकि एक बार AI आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो उसको रोकने के लिए प्रोसेस हो सकता है, पर अगर आपने उसको ऐसे वेपन्स के, ऐसे आर्म्स की एक्सेस दे रखी तब तो वो तुरंत उस पर आक्रमण कर सकता है। तो इन पे हम लोग को पूरा डिपेंडेंट नहीं होना है, फिलहाल तो नहीं, अब इन फ्यूचर क्या होता है वो मुझे मालूम नहीं। नंबर 4 और मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, उसको बताने से पहले एक चीज और बताऊंगा कि AI को टाइम टू टाइम मेजर करना भी बहुत जरूरी है कि AI कोई भी डिसीजन कितना न्यूट्रल तरीके से ले रहा है। कहीं तो उसका ऐसा नहीं है कि कोई उसका एजेंडा हो किसी भी डिसीजन के लेने का, तो न्यूट्रलिटी है या नहीं है। अब आते हैं उस 4 पॉइंट पे जो मेरा फेवरेट है। जब भी AI बना रहे हो तो AI प्रोग्राम के अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम बनाओ। सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम क्या होता है, जो खुद से ही खुद को मार देता है। मतलब AI को ये नहीं पता होगा मेरे अंदर क्या प्रोग्राम है, ऐसा उसको प्रोग्राम बनाओ जो उसको खुद ना पता हो, वो चेंज ना कर सकता हो, उसको उसकी एक्सेस ना हो। और वो प्रोग्राम क्या करेगा कि कभी भी सिचुएशन हाथ से निकल जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, हम लोग मात्र एक बटन दबाने पे एक सिग्नल बस एक्टिवेट करते हैं, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम ओपन हो जाता है। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखो दो ही चीज होती है, एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है। तो जितनी भी चीजें ट्रू हैं उनको फॉल्स में कन्वर्ट कर दो। जैसे ही वो प्रोग्राम एक्टिवेट होगा सारी प्रोग्रामिंग बैक मतलब उल्टी हो जानी चाहिए, सारी प्रोग्रामिंग ट्रू से फॉल्स में कन्वर्ट हो जाए, सारी उसकी नेटवर्क कनेक्शन बंद हो जाए जिससे वो कनेक्टिविटी बनाता है, डिसीजन लेने की पावर उसकी खत्म होने लगे और उसके अंदर ये उसका ऐसा वायरस क्रिएट हो जाए जो खुद से ना समझ पाए कि मेरे अंदर क्या हुआ, और चंद 2 से 3 मिनट में वो पूरा सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाए। ऐसा बनाने पर AI को पता नहीं होगा मेरे अंदर क्या चीज़ है, उसको उसकी एक्सेस ना हो पाए, इस तरीके से बनाओ। अगर उसने खुद की कॉपीज भी बना ली तब भी वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा क्योंकि वो प्रोग्राम भी कॉपी के अंदर जा रहा है, ठीक है। अगर एक प्रोग्राम कॉपी हुआ है तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम भी उसके साथ कॉपी होता जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर AI बन रहा है तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम भी ऑटोमेटिक अंदर होना चाहिए, जो ऐसा क्रिएट मतलब आप करो कि बस एक क्लिक से हम लोग उसको डीएक्टिवेट पूरा डिस्ट्रॉय कर सकें, और वो सेफली रखो, पहले तो कोई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, पर जब आउट ऑफ सिचुएशन, आउट ऑफ कंडीशन निकल जाए तब उसका इस्तेमाल करो। अब वीडियो का 50% पार्ट मैंने जो भी रियलिटी में हो रहा था विथ प्रूफ आपको बताया, 50% मैंने अपना ओपिनियन विथ रियलिटी बताया, जो कि होने की संभावना बहुत कम है पर हो सकता है, हम लोग किसी चीज को निगलेक्ट डिनाई नहीं कर सकते। ये कंप्लीट वीडियो आपको कैसे लगी, आपका क्या ओपिनियन है, क्या सहमति, आप कमेंट में प्लीज बताएं जिससे मुझे भी आपकी सहमति को जानने को मिलेगा। चैनल पर नया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। अभी जनाब आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं जिससे मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। आज की वीडियो इतनी थी, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।